स्वागत है आप सबका। तो पिछले क्लास में हमने इस एकांकी को शुरू किया था और पात्र का परिचय देते हुए मैंने आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आने वाले पात्रों को लेकर एकांकी शुरू की थी। सबसे पहले आने वाले पात्र कौन है? बड़ी बहू और इंदु। इंदु और बड़ी बहू दोनों मिलकर आपस में बातें कर रहे हैं किसके बारे में? यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, छोटी बहू बेला के बारे में। किसके बारे में लिख रहे हैं, किसके बारे में बातें कर रहे हैं? छोटी बहू बेला, जो अभी अभी नवी नवेली दुल्हन बनकर आई हुई है। तो यहाँ पे ज्वाइन होने वाले यानी कि इस वीडियो से देखने वाले जो भी यहाँ पे विद्यार्थी हैं उनको समझ में नहीं आएगा, उनके लिए फिर से एक बार मैं समझा रहा हूँ पात्रों का परिचय, ठीक से देख लीजिए। मुख्य पात्र है दादा, जो घर का मुखिया है। उसकी तीन बहुएं जो बड़ी भाभी, मंजरी भाभी और छोटी भाभी के नाम से यहाँ पे पहचाने गए हैं, और इन तीन बहुओं के बहू है अर्थात दादा के पतोहू कहेंगे हम लोग, पोते की बीवियां। तो उनको भी बड़ी बहू, मंजरी बहू और छोटी बहू कहकर बुलाते हैं। यहाँ पे ये पात्र आने वाले हैं इसलिए इनका नाम दिया गया है। उसके बाद दादा का एक लौता पोता है आखिर में आने वाला परेश, जो छोटी बहू का पति है। ये परेश दादा के सबसे छोटी बहू, छोटी भाभी का बेटा है, जो एक पढ़ा लिखा है, उसी शहर में तहसीलदार बनकर आया हुआ है और उसकी शादी पढ़ी लिखी लाहौर की एक कन्या, पढ़ी लिखी कन्या बेला के साथ हुआ है। इंदु परेश की बहन है और छोटी भाभी की बेटी। अब तक यानी कि बेला के आने से पहले ये ही सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की थी और इसको इसका थोड़ा घमंड भी था। जैसे ही बेला आ गई, बेला ग्रेजुएट है, बीए की पढ़ाई करके आ चुकी है, इससे ज्यादा पढ़ने वाली आ गई तो इसको थोड़ा सा ईर्ष्या होने लगा और कई बातें हैं इसके बारे में जो क्यों इसको ईर्ष्या के भाव से देखते हैं। तो यहाँ पे कहानी की शुरुआत में ही इंदु बेला को लेकर थोड़ा नाराजगी दिखा रही है क्योंकि बेला ने काम वाली बाई जो कहते हैं आपकर आजकल, उस वक्त निशानी कहा करते थे उसको और रजवा उसका नाम है, उसको काम से हटा दिया क्योंकि उसको काम करना नहीं आता। बेला के अनुसार रजवा को काम करना नहीं आता इसलिए उसने काम से हटा दिया। लेकिन रजवा जो है इनके घर में सालों से काम कर रही है और इनमें से किसी ने भी उसके ऊपर कंप्लेन नहीं किया कि काम करना नहीं आता। लेकिन अभी अभी आई हुई बेला ने इसको कहा कि तुम्हें काम करना नहीं आता, साफ सफाई करना नहीं आता, सिर्फ झाड़ू लगाना मात्र से घर साफ नहीं होता कहकर इसको काम से हटा दिया, जो बातें ये दोनों आपस में कर रही है। और इसी बीच छोटी भाभी जो बेला की सास भी है और इंदु की माँ भी है वो आती है और रजवा को लेकर क्या घटना घटी है, क्यों ये रो रही है और क्यों यहाँ पे बेला को लेकर बातें हो रही है इसका कारण जानने का प्रयास करती है और इंदु को समझाने का प्रयत्न करती है कि वो छोटी है। लेकिन यहाँ पे देखिए इंदु उसको छोटी नहीं मानती, कहती है कि वो बच्ची नहीं बल्कि बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसको बात करना नहीं आता, वो हर समय अपने मायके को ही ज़्यादा समझती है और हमें नीचा दिखाती है। तो यहाँ पे आगे बढ़कर बड़ी बहू यानी कि सबसे बड़ी घर की बड़ी मानते हैं हम लोग, बड़ी भाभी के बहू कह सकते हैं, वो कहती है बात यह है छोटी माँ कि छोटी बहू को हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं है, उसे हमसे हमारे पड़ोस से हमारी बातों से घृणा है।
ये बातें कभी भी छोटी बहू ने अपने मुंह से नहीं बोला, लेकिन जिस तरह से उसने बर्ताव किया उसको देखकर उन्होंने खुद ही अनुमान लगा लिया कि छोटी बहू को हमारा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भले ही उसने किसी अलग उद्देश्य से वो काम किया हो, लेकिन उनको लग रहा है कि हमारे लिए ही उसने ऐसा किया है। तो यहाँ पे देखिए आगे, छोटी भाभी चिंता से, एक तरह से चिंता में मग्न हो रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि घर टूटेगा, घर में से कोई अलग हो जाएगा। इस उद्देश्य से वो चिंता से एकदम से कह रही है, फिर कैसे चलेगा, ऐसा होगा तो कैसे चलेगा, हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, घर की रोकी सूखी को ही श्रेष्ठ समझना, दूसरों की चुपड़ी से अच्छा समझना, और नौकरों पर दया और छोटों पर, यही पर रुकती है, यही पे रुकती है अपने आप को। तभी मंजली बहू, मंजली बहू कौन है, बड़ी बहू की देवरानी, बड़ी बहू की देवरानी या मंजली भाभी की बहू कह सकते हैं हम लोग, वो आती है हंसते हुए। वो इतना जोर जोर से हंस रही है कि दूर से ही उसका आने का पता चल रहा है। इंदु आश्चर्यचकित होकर, क्या बात है भाभी, जो हंसी के मारे लोट पोट हो ही जा रही हो। लोट पोट यानी कि अपने निर्धारित स्थान पर खड़े ना रहना, इधर उधर झूलना, जैसे एक शराबी झूलता है वैसे ही हंसी जब कंट्रोल के बाहर हो जाती है, लोग भी उसी तरह से झूलते हैं इधर उधर, और वो एक तरह से वैसे ही कर रही है। फिर भी मंजरी हो कुछ कहती नहीं, ऊपर से हंसी जा रही है। इतने में गैलरी से यानी कि ऊपर से मंजरी भाभी और बड़ी भाभी उतर कर नीचे आते हैं, और वो दोनों भी इस क्या कहते हैं सम्मेलन में, सम्मेलन करिए सभा कहिए महिलाओं का, उनमें शामिल हो जाते हैं और पूछने लगते हैं मंजरी बहू से कि बात क्या है जो इतनी हाहा ही ही कर रही हो, क्यों, क्या क्या हुआ, क्यों ऐसे हंस रही हो। तो इंदु, यह भाभी है कि बस हंसे जा रही है, कुछ बताती ही नहीं, यहाँ पे कुछ सीरियस मैटर डिस्कस हो रहा है और इतने में मंजरी को वो हंसते हुए आई है, तो सबका एक तरह से ध्यान भटक गया है, और जो हंसी का कारण है उसको जानने में उत्सुकता रहने वाली हिंदु उस बात को ना जानने से नाराज हो गई है, और बात बताने के बजाय ये हंसे जा रही करके बोल रही हूँ। मंजरी हूँ बताती हूँ, मैं कहती हूँ, फिर हंस पड़ती है, और यहाँ पे बड़ी वो कहती है, आखिर कुछ कहो भी, क्यों हंस रही हो। मंजरी वो कहती है, आज भाई परेश की वह गत बनी कि बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। परेश कौन है, बेला का पति, छोटी भाभी का बेटा और इंदु का भाई, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी घटना हो गई है कि वो मायूस होकर चला गया, अपना समूह लेकर, यानी कि मायूस होना। यहाँ पे फिर खी-खी के हंसने लगती है छोटी भाभी, यानी कि परेश की माँ पूछती है, ओ हो तुम्हारी हंसी भी बहू, अभी तक उसको स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आया, उसकी हंसी में वो बात छुप गई। मंजरी हो, मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी छोटी माँ, अभी अभी छोटी बहू ने परेश की वह गत बनाई, बेचारा अपना सा मुंह लेकर दादाजी के पास भाग गया, किसी कारणवश बेला ने अपनी पति को इस तरह से कुछ सुनाया है जिसकी वजह से परेश मायूस होकर या कुछ सिर झुकाए दादाजी के पास चला गया, मैं उसको देखकर हंस रही हूँ। यहाँ पे देखिए औरतों का तो यही काम होता है, दूसरों के बर्तन में क्या है वो झांकना, जहाँ पे समझदार औरतें भी हैं वो इस सब से दूर रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे औरतें होती हैं उनका काम क्या है, बंती को बिगाड़ना और दूसरे के बर्तन में क्या है वो झांकना। यहाँ पे मंजली बहू ने भी वही किया, वो सीधे सीधे अपना काम करके नहीं आई बल्कि छोटी बहू के कमरे में झांक कर आई है।
तो आगे देखिए नेक्स्ट, बड़ी बहू और इंदु, बड़ी बहू और इंदु जो पहले आए थे सबसे पहले वो पात्र दोनों एक साथ, बात क्या है, क्यों क्यों छोटी बहू ने क्या कुछ सुनाया, बात क्या है कहकर फिर से पूछती है। उस पर मंजरी वो बताती है क्या घटना घटी, तो बताती है कि मैं तो उधर सामान रखने गई थी क्योंकि ऊपर के मकान के ऊपर इनका कमरा है छोटी बहू और परेश का कमरा, तो वहां पे कुछ सामान रखने के लिए गई हुई है, बहुत सी बातें तो मैंने नहीं सुनी, बस कुछ सुनी बहुत सी समझ में नहीं आई, तो कुछ अंग्रेजी में गिटर पिटर हो रही थी, अर्थात इनको अंग्रेजी नहीं आता, कुछ अंग्रेजी में हो रही थी, तो मैंने जितना सुना उतना बता रही हूँ। छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ था, पारा चढ़ना यानी कि वो गुस्से में थी, वो गुस्से में थी और परेश चुपचाप खड़ा था। इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान करके कमरे में गया तो बहू रानी ने सारा फर्नीचर बाहर रख दिया था, निकाल कर बाहर रख दिया था। परेश ने कारण पूछा तो छोटी बहू यानी कि बेला ने कहा इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचरों से मेरा कमरा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं बाहर निकाल रही हूँ। परेश कहने लगा ये हमारे बुजुर्ग यानी कि बाप दादाओं के जमाने से यहाँ है, तो उनकी नाक कट जाएगी अगर हमने इसको निकाला। तो छोटी बहू वहाँ पे कहती है हमारे बुजुर्ग तो नंगे लुच्चे जंगलों में घुमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुकरण करें, आपके बुजुर्ग चाहे इन पे बैठते थे इनका सम्मान करते थे तो आप इनका सम्मान करिए, तो क्या मैं भी अपने अपने बुजुर्ग जो नंगे घूमते थे क्या उनका अनुकरण करूं, लेकिन ताने देती है और हंसती है और जो सामान पड़ा था वह भी उठाकर बाहर फेंक दिया, अर्थात जो कुछ भी पुराने सामान थे वो सब कुछ बाहर फेंक दिया। यहाँ पे बात इतनी है कि ये सब लोग जो भी हैं ये दादा के अनुसार जैसी जिंदगी दादा ने बिताई है वैसी जिंदगी बिताते हुए आ रहे हैं पुराने सभ्यता वाले, लेकिन ये जो आई हुई है नई बहू इसको पुरानी सभ्यता पसंद नहीं है, वो चेंजेस करना चाहती है और उसने धीरे धीरे उसका प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पे इन लोगों को वो एक तरह से बुरा लग रहा है क्योंकि जो काम हमने नहीं किया ये क्यों कर रही है, तो यहाँ पे वही बात हो रही है। आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो यहाँ तक मैं रोक रहा हूँ, कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।